भविष्य एंड मैं जा रहे हैं लॉर्ड्स पैन रुक आइसक्रीम की दो ब्रिक लेंगे ओके एक ब्रिक से कुछ नहीं होएगा फ्रेंच फ्राइज लेंगे हम स्माइलीज भी ले सकते हैं भविष्य पहुंच चुके हैं लॉट्स एंड अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है ज़्यादा बट जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर लूँगी आपको ये कार्टेन मिल जाते हैं तो इजीली आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो और एंट्री आगे से है अपने एरोबिक्स के कपड़ों में ही आ गई लोअर में इसमें चॉकलेट नहीं इसमें स्ट्रॉबेरी है इसमें स्ट्रॉबेरी है ये आइसक्रीम बटर स्कॉच है और ये वनीला है पर ये लो फैट और मीडियम फैट आइसक्रीम है वो देखिए मतलब इसे अमूल नीचे क्या क्या लो से क्या होता है फर्क है चीज स्लाइस नहीं लेनी अबे इतने बड़े बड़े मक्केस के मिलते हैं क्यों ऐसा कुछ नहीं है इतना तो ये चल जाता है बटर लेना था भैया नहीं भाई पूछ ले मैं इधर से लूंगी पहले लड़का मुझे छोड़ के भाग गया भैया तुम लोग छोड़ के भाग गया बहुत ही बदतमीज़ बुरा था मैं जा रही हूँ वहीं पे करूँगी ये भी ले रहे हैं क्या हम कैरमेल है कैरमेल फ्लेवर नहीं नहीं स्ट्रॉबेरी का क्या करना है फोन छोड़ दे एक सेकंड जब मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारा कहाँ है उधर रखिए टॉलियाँ नीचे रहेंगे अभी लेगा ज़्यादा भाग मत रुक जाओ मेरे ये तो रखने दे लिमिटेड ले रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ले रहा है इसमें आधा ज़्यादा सामान कर रही है अच्छा यार ये किंडर जॉय पे मेरा दिल तो आ जाता है बट इसके अंदर से निकलता कुछ है नहीं गाइस कोई किंडर जॉय गिफ्ट गाइस मेन चीज़ें तो यही है नटीज़ मेरी मोस्ट फेवरेट मन तो करता सब कुछ ले लो बट वेट जो बढ़ेगा ना गंदे वाला 4 लीटर पर ये है 4 लीटर वो थोड़ी मोटी हुई हुई है लॉट से उठ चुकी है शॉपिंग और शॉपिंग का सबसे बड़ा नुकसान ही होता है लॉट से बिग बाजार से ये लोग आप लोग भी बताना कि आप लोग के साथ होता है या नहीं बहुत एक्स्ट्रा का सामान आता है मतलब 2-3 हज़ार का तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा का सामान आता है यूजलेस एक्स्ट्रा का सामान लेने में पैसे डालते हैं उसके बाद फिर हम उस चीज़ को अपने हेल्थ को सही करने में पैसे डालते हैं अग्री तो कमेंट सेक्शन में बताना वैसे तो दोनों वनीला के भी बटर स्कॉच खाएंगे वनीला है नहीं बटर स्कॉच वाइट वनीला है वो नहीं उसमें लिखा बात कह रहा था कौन जो बिल्कुल उसमें प्रिंट हुआ है बटर स्कॉच हाँ उस लड़की ने मुझे स्पेशली दिखा के दी है और आगे थे आतिक मस्त कैरमल हर्शी सिरप का शेक दिया है भावेश ने बना के दिया मुझे एंड मैंने उसको फटाफट से सैंडविचेस बना के दिए थे क्योंकि हमारे पास मकेन्स की पनीर टिक्की थी तो उसने जो सैंडविच खाए मैंने खाया और अब मैं जाऊंगी वर्कआउट पे क्योंकि 7 बजने वाले हैं और मेरा एरोबिक्स का टाइम होने वाला है फ्रंट सोफे पे भी हो रहे थे थोड़े से खटमल तो हमें दवाइयाँ डाल दिया निकाल दिया और ये देखिए ये मेरी साड़ियाँ निकाल दी हैं सोफ़ा कम बेड इसके अंदर भी थे और इसके अंदर नहीं निकले हैं लेकिन हम फिर भी इसको साफ कर रहे हैं सेफ्टी के लिए दवाई डाल रहे हैं भावेश ये मेरा पैकेट है मम्मी ये मैं लेके मेरा सामान क्यों खाता है ये दिशा सही है तेरे को खाना नहीं है ये सब तो डाइट हाँ तो इसको भी नहीं खाना दूर हो टेस्ट नहीं हुआ तेरा अभी तक इसने बोला टेस्ट करूंगा बस की कैसे हैं ये टेस्ट तो करके देखूं कैसे इससे तो हम इसकी जाड़ी भी गीली सो गाइस ये आया मटर पनीर मेरे ट्रेनर के यहां से दीक्षा गोयल के लिए स्पेशली उन्होंने कहा देखो पनीर पसंद है तो ये खाते हैं मटर पनीर और मम्मी फटाफट से फुलके सेक रहा है सो गाइस मैं आ गई थी वर्कआउट से एंड उसके बाद मैंने खाया मटर पनीर एंड रोटी भी खा ली थी उसके बाद अब मैंने बनाया बेसन सीरा तो इसको पीऊंगी
तो फ्रेंड्स हीटर हस्बैंड जी चल दिए हैं कानपुर। ये तो मेरे लड़के की अटैची है, और जब मैं वापस आऊंगा उसके बाद वीडियो डलेगी फ्रेंड्स, तो देख लेना मैं कानपुर से वापस भी आ चुका और वीडियो उसके बाद डलेगी, तो शायद मुझे कानपुर में कोई ना मिल पाए, हो सकता है इंग्लिश में सडनली कोई मिल जाए। ओहो ओके बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ फ्रेंड्स, थक के चूर हो चुकी हूँ ये दीमक और ये खटमलों के चक्कर में, ऐसा लग रहा है शरीर में मेरे ताकत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज मैंने बनाया है, ये बेटे के लिए मैंने पोहा बनाया है, ये बना रही हूँ मैं दाल, और ये बनाए हैं मैंने ब्राउन राइस, क्योंकि आज मेरे लंच में है दाल और ब्राउन राइस, तो दीक्षा के लिए भी ये वाले ब्राउन राइस बना लिए मैंने। और फ्रेंड ब्रेकफास्ट में है मेरी ये मूसेली दूध के साथ और एक फ्रूट के साथ, तो ब्रेकफास्ट में लेंगे हम ये। और जिंदगी में पहली बार हिटलर हस्बैंड जी ने मुझे बाय बोला है, आई डोंट नो कि आपको बोला या मुझे बोला है, क्योंकि वो पहले मेरी जब शादी तक टूरिंग करते थे, हर 15 दिन बाहर रहते थे, 15 दिन घर रहते थे, तो मैंने छोटे बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाला अपने, मेरे दोनों बच्चे छोटे थे उस टाइम, वो टूर करते थे और हर 15 दिन में बाहर 15 दिन घर, तो कभी जिंदगी में उन्होंने मुझे बाय नहीं बोला, पहली बार आपको वीडियो में सुनाई दिया होगा बाय, पता नहीं आपको बाय बोला या मुझे बाय बोला। तो चलिए फ्रेंड फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। मॉर्निंग हो चुकी है, इधर मैं भावेश के लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफी और ये मैंने डाले कैरेमल सिरप, तो बनाते हैं कोल्ड कॉफी। एंड आज खाने में बना है दाल चावल ब्राउन, ओ ये मैंने क्या किया अबे यार, गई हुई उल्टे काम में बने से, अबे निकल जाओ रुक जाओ। सो गाइस दाल एंड ब्राउन राइस आज का लंच विद वन एंड ओनली राखी गोल्ड बनाया। तो चलिए अपना लंच करते हैं। गाइस स्वीट मॉम इज क्राइंग जस्ट बिकॉज ऑफ अनुपमा ये बागवान सॉन्ग। अनुपमा सीरियल देख के रोने के बाद दीक्षा गोयल जी बच्चों के लिए राखी जी मेरे बच्चे भी रुलाते हैं मेरे को। ओह तुम्हें बच्चे ऐसे मिले जन्नत। अपने मुंह में या मिठू। सो गाइस मैं बना रही हूँ चाय एंड एक चीज बताती हूँ कि क्या हुई है मम्मी। ये बताओ गाइस को बताओ हमारे, पूरी रात भावेश ना यहाँ सो पाया ना मैं यहाँ सो पाई, ना मम्मी वहां सो पाई ना पापा वहां सो पाए, और पहले भावेश रात को अंदर सोया था, वो सो ही नहीं पाया, खटमल मारता था, हर जगह दवाई डालने के बाद भी खटमल नहीं जा रहे। और अभी मम्मी जब सुबह एरोबिक गई थी तो आंटी किसी आंटी ने बताया कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, बेड ही चेंज करने पड़ेंगे, तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि घर के तीनों बेड कैसे चेंज करें, कोई इलाज बताओ खटमल का, पूरी रात नहीं सो पाए हम, और जबकि पूरी दवाइयां छिड़की हैं, अब तो पूरे बेड के अंदर का भी सब कुछ चेंज कर दिया। उनका दहेज में बेड नहीं आएगा, 3 भेजेंगे। हाँ मम्मी दहेज बैन है। गिफ्ट गिफ्ट यस गिफ्ट में, शादी गिफ्ट में मंगवा फटाफट, दीक्षा की शादी में मंगा लो। चलो दीक्षा की शादी में क्यों मंगवाए, मामा क्यों देगा दीक्षा की शादी में, मामा भात देते हैं, अपनी बहन की शादी में दिए, वो दीक्षा की शादी में क्या देगा, बेचारे मामा तब तो छोटे से थे, तो अगर मामा का बाप तो था। हाँ वो तो फिर आप अपने अपने पापा से कंप्लेंट करो ना, मामा से कंप्लेंट कैसे कर सकते हो आप। सो गाइस अब हमें प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई ऑप्शन बताओ कि अब हम क्या करें। और हमारे पूरे एरिया में दीमक हो गई है, मतलब पूरे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हर घर में दीमक सुनने को मिल रही है, हमें एक तो लकड़ के ये बनवाने हैं, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, ऊपर से अगर हम बेड चेंज करते हैं तो बेड कौन सा बनवाए ये भी समझ नहीं आ रहा। बेचारी राखी जी ने सारे कपड़े धोए बट कोई ऑप्शन नहीं निकला, ना खटमल का दीमक का तो अभी पता ही नहीं है क्या ही होएगा। ओ चाय ना निकल जाए, ओ शुक्र है सिम पे मम्मी सिम पे थी। तो गाइस प्लीज, और हिटलर फादर जा चुके हैं तो घर एकदम सन्नाटा है, बिस्तरे आपको बिना तय ही मिलेंगे। 27 साल में पहली बार बाय बाय करते थे। हाँ सुन लियो, मैंने आपकी सुबह जब आप वीडियो बना रहे थे मम्मी भाग तो सिर्फ वीडियो के कारण, तुम्हारे भाग तो यूट्यूब के कारण जाग गए हैं वैसे, और मेरे भी गाइस हम लोगों के लाइफ में हुआ नहीं, हुआ मेरा मियां सुधर गया। सुनो हम लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, मैं पता है 12th में इतना रोती थी कि मैं क्यों पैदा हुई, मैं लड़की पैदा क्यों हुई, मैं इस घर में पैदा क्यों हुई, क्यों
क्योंकि मुझे फ्रीडम नहीं थी, मैं घूमने नहीं जा सकती। और मम्मी मुझे बोलती थी बस दीक्षा तेरे पास एक साल है, तेरे पापा कौन से तेरे पीछे पीछे आएंगे, कॉलेज में घूम लियो। पर मैं कॉलेज में भी नहीं घूम पाती थी, मेरे पास एग्जैक्ट 3 घंटे में फोन आ जाता था। 7 बजे के बाद मेरे को भी घर से बाहर निकलने का ऑर्डर बिल्कुल अलाउड नहीं था। इवन ये स्ट्रिक्टनेस सिर्फ हम दोनों के साथ नहीं थी, ये भावेश के साथ भी है। तो ये हम तीनों के साथ ही इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि टचवुड यूट्यूब की वजह से बहुत चीजें चेंज हुई है, बहुत हमारी लाइफ ऐसे से ऐसे हो गई है सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ जैसे मेरी जिंदगी चेंज हुई, हर औरत की होनी चाहिए। हाँ, हर औरत सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए। मैटर नहीं करता आपको हस्बैंड कितने कमाते हैं, बट आप जब अपने पैरों पर स्टैंड होगे, आप खुद अर्न करोगे ना, तो उसकी फीलिंग अलग ही होगी। गेलो और बोलना बहुत स्वाद। क्या बोलना है? बहुत स्वाद। चलो पियो। नहीं बिना पिए बहुत स्वाद, जब बोलना यही है तो अभी बोल देती हूँ। बहुत जल्दी पियो, नौटंकी मत किया करो। वाह 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 वा, बहुत स्वाद। ड्रॉप में इसमें लेमन ग्रास मैं नहीं पीती, सौंफ मैं नहीं पीती, शक्कर मैं नहीं पीती, पत्ती की चाय मैं नहीं पीती, तब भी पी रही हूँ मजबूरन ये चाय। गर्म पानी पी ले फिर, जब तो कुछ पीना ही नहीं तो गर्म पानी में चीनी घोल के और पी जा उसको। दूध दूध तो पीती हूँ। दूध पी जा, दूध में पानी डाल, चीनी डाल 5-6 चम्मच और उसको 5-6 चम्मच। जब पत्ती नहीं पीती, लेमन ग्रास से अदरक कुछ नहीं पीती, तो अब 5-6 चम्मच चीनी तो पीती है कप चाय में, वो पी जा। ठीक है, बन गई तेरी चाय। चलो फ्रेंड्स चख के बताते हैं कैसी बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बनी है। खुद ने बनाई है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए तुम्हारा पूछ नहीं, मैंने ये कुर्ती क्यों पहनी है? क्यों ये कुर्ती को तुम्हें पूछ? पुरानी है, घर पे निकाल ली मैंने, तो ये ऐसी कोई नई लग भी नहीं रही है। लग नहीं रही, नई तू हर कुर्ती को तेरे को नई लगती, रंग चढ़ जाता तो उसको तेरे को नई लगती। कल वाली नई थी सच में। दीक्षा वीडियो में देख बेटा, फोटो में कहीं होगी बेटा, कहीं तो देख उसको। चाय मम्मी नॉट बैड। ओह नॉट बैड, खुद बनाई है तो नॉट बैड। गाइस अब ना नींद उड़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि बस 2 साल है, 1 साल है, शादी हो जाएगी, दोस्त आता है नहीं, काम धंधा कुछ, हम कैसे मम्मी छोटे छोटे बच्चे गृहस्थियां संभालेंगे। गाइज ऐसे अब मैं ऐसे साल काउंट कर रही हूँ कि 1 साल बचे है, 2 साल बचे है, 3 साल बचे है। भावना के बाद तो दीक्षा का ही नंबर है, इधर से भी और उधर से भी, है ना।